तो यार ड्यू की गेमर्स एरिना की कंपटीशन हो रही है, और इसके अंदर ये आप देख सकते हैं कितने ज्यादा पैसे हैं, जरा गिन सकता है तू? 8 लाख क्वालिफायर्स का है, और उसके बाद ओए होए होए 1 मिलियन टॉप पोजीशन, ओ माय गॉड 10 लाख रुपए। एक वायबल चीज होगी है गेमिंग करना यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ इनकम। पहले था शुगल मेले के लिए गेमिंग जोन में था, बट नाउ इट इज अ रियली अर्नर किस्म की चीज ना, मतलब यू कैन मेक अ करियर आउट ऑफ दिस। और प्लस आजकल के मुश्किल हालात के अंदर आपको पता है घर में बैठना और कुछ करने के लिए होना आपके पास, तो गेमिंग इज लाइक द इजीएस्ट एंड सेफेस्ट थिंग टू डू। तो 23rd मई को फाइनल मैच हो रहा है, ड्यू गेमर्स अरीना की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं या उनके सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, उम्मीद है आपको वहाँ पे मिलते हैं। चलो जी अगला गेम प्ले देखते हैं फिर। ये फर्स्ट क्वालिफायर राउंड हो रहा है इस वक्त, आप देख सकते हैं। ऑलराइट, देयर आर नो हैकर्स अप इन हियर, इवन दो दिस गाय इज कॉल्ड हैकर। हिस्ट्री का बॉय है पहले, नाम ही हैकर। और ये बंदे चेक करो अक्रॉस ईच अदर इन बिल्डिंग बैठे हुए, इस बॉय ने कहा कि ग्रेनेड इज द बेस्ट पॉलिसी, और चेक कर नेड इसने, ओह कितनी हेल्थ ले गया इस बंदे की, आए दरवाजा भी फट गया। ग्रेनेड मारना भी एक जो है ना कला का काम है, और ये इंसान बड़े बेहतर तरीके से कर रहा है। और ये नॉकआउट पड़ी शॉट, ये बंदा है, इसको इसका दोस्त इसका मेरे ख्याल करीब ही है जो कि इसको रिकवर कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये क्लोज मुकाबला हो रहा है, सारे स्क्वाड ये आमने सामने वाले घरों में है, ये भाई भाग रहे हैं। खुले मैदान में इतनी बड़ी पीक, क्या बात, इतनी बड़ी पीक ली, ये पीक का इसको नुकसान भी हुआ है भाई, क्या बात है, क्या बात है। तकरीबन नॉकआउट हो गए, 3 रह गए इनके, हाँ दोनों, 1-4 रह गए, 1-3 रह गए हैं। और ये आते हुए ये मुकाबला के सामने से बंदा मिला, सामने से बंदा मिला, एक मुकाबला हुआ नॉकआउट हुआ और उसको उड़ा दिया गया। ओके बेहतरीन पॉनिज, मैं आपसे पूछ रहा था कि एनालिसिस वाइज आपका क्या ख्याल है जब आपके बिल्कुल आमने सामने पबजी में बंदा आ जाए। तो सीएस में तो होता है कि इफ यू हैव अ गुड एम यू कैन जस्ट टेक हिम आउट, लेकिन पबजी में कुछ जंपिंग का भी सीन होता है, कुछ उसके भागने का भी सीन होता है कि आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो बिल्कुल आमने सामने का टक्कर हो जाए तो क्या करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी? यस वेल, पबजी की जो मूवमेंट है और पबजी की जो स्किल लेवल है वो सीएस गो से काफी अलग है। लाइक सीएस गो इज बेस्ड ऑन लाइक कम्प्लीटली इंटायर बेस, बट पबजी इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट बेस एज वेल एज द क्लोज कॉर्नर गैप्स। तो आपने देखा होगा AO4 का जो एक प्लेयर था, शायद आई बिलीव नेक्सस, जिसने नेट बहुत अच्छा नेट ट्रैजेक्टरी थी, उसने डोर भी मार लिया था, बट आफ्टर दैट दे लाइक स्प्लिटेड अप, दे वर प्लेइंग एक्सट्रीमली एक्सपोज, तो जिसका H2E ने लाइक एडवांटेज लिया एंड दे जस्ट नॉक ऑलमोस्ट एवरी प्लेयर ऑफ AO4। टाइम वर्सेस क्या है ये बॉयज, बैठे हुए और यही पोजीशनिंग होती है पीक्स मार मार के एक दूसरे को, इनके पास लॉन्ग रेंज गन्स भी रखी है। क्या मेरे ख्याल क्या कहते हैं इसको, वो कहते हैं कैंपिंग कहते हैं ना, आई बिलीव कैंपिंग इज व्हेन यू आप बैठ जाते हो स्नाइपर एलीट की तरह, देखते रहते हो और जब भी आपको मौका मिलता है बड़ा। इफ यू प्लेइंग समथिंग लाइक CS:GO पीपल गो लाइक यार ये बंदा कैंपर है, exactly कैंपिंग के साथ आई थिंक थोड़ा बुजदिली का एलिमेंट अटैच किया है लोगों ने कि ये क्योंकि कैंपर है तो ये वो नहीं है, ये बाहर निकल के खेलने वाला नहीं है। कैंपिंग के लिए भी बड़ा सुकून चाहिए, बड़ी आपको ना पेशेंस चाहिए बैठ के इंतजार करने के लिए। पोर्टल स्पोर्ट्स जीता है, ये पहला इनका क्वालिफायर राउंड था, और जाहिर बात है पोर्टल स्पोर्ट्स के भी आपको टॉप स्कोर भी नजर आ रहे हैं यहाँ पे, टॉप फ्रैगर्स हाँ, टोटल किल्स इनकी एक्चुअली रश एलीट्स की इनसे ज्यादा है, लेकिन बाकी पॉइंट्स लेके ये लीड में आ गए हैं। इन लोगों के मुझे नाम बड़े पसंद आए थे, एक बंदे का नाम जनाजा है, एक का नाम खतरा है, एक का नाम वैशी है। ये है मेरे ख्याल से हम विकेंदी का एक मैच देख रहे हैं जहाँ पे मुकाबला हो रहा है, बर्फ गिर भी है थोड़ी थोड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं फोर तो शोडाउन है भाई, क्या बात है भाई, फायर पे फायर दीवार के थ्रू मारने की कोशिश लगता है सीएस का प्लेयर रहा है पहले, तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों ये आगे जाते हुए इसको लूटते हुए और जनाजा उसको वैशी को रिवाइव कर रहा है, वैशी मौत। और ये देखो ये दो ही रह गए इनके, और ये भी टॉप पे कैंपिंग कर रहे हैं, आई थिंक ये इस वक्त रश करेंगे और उनको तबाह करने की, और एक एक बंदे की हेल्थ तो बिल्कुल डाउन है जो अभी अभी रिवाइव हुआ है, वो ऊपर क्यों नहीं जा रहा इसको पता, अच्छा ये आई थिंक बेस्ट टू नेड इट और मॉली इट, हियर ही इज मॉली, ही इज ही जस्ट मॉली इट, दैट्स व्हाट, ऊपर वो जल रहे हैं, आग लगी और ये जनाजे का जनाजा, क्या बात है, क्या जला के मार डाला भाई, आर्सनिस्ट। So, ये हमारे पास मैच की ये लेआउट चल रही है, एनवी आर 3डी 4 स्किल ग्रुप्स आई थिंक, पेस एनवी रेड एंड H2E ऑल इन द सेम सर्कल। हर गेम का एक गेम प्ले होता है ना, जो गेम डेवलपर चाहते हैं कि ये बंदा ऐसी गेम करे, जिस तरह हिटमैन हमसे स्टेल्थ चाहता है, तो PUBG हमसे किस तरह की गेमिंग चाहता है स्पॉनेज? They basically desire for the passive games and now there's a bit of a difference between camping and passive games, and passive it means like you are playing strategically and camping just means like you are just going for the entire snake and cloning in the game. Now that triggers some people but
दे बेसिकली डिजायर फॉर लाइक पैसिव गेम्स यू नो. अच्छा पैसिव मतलब प्लानिंग के साथ चलें और उस तरह खेल की तरफ आते हैं. ये देखिए दिस गाय अल्फा रहमान ने डाउन किया. मैं खुद नहीं कर पाया अभी तक. ये लोग वॉल ऑफ स्मोक अपने राउंड कंस्ट्रक्ट करते हैं. जनरली एंड ऑफ द गेम जब आपका क्लोज हो रहा होता है ना सर्कल, उसके अंदर सही है स्मोकिंग स्मोकिंग करके. हाउ मेनी स्मोक बॉम्ब्स कैन यू कैरी एट वन टाइम? एज मच एज यू कैन बैक कैन अफोर्ड. एंड पे जब रिवाइव भी चल रहा होता तब भी हमने देखा है कि बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं यहाँ पे कुछ. अच्छा शोडाउन ये स्मोक के अंदर ही मॉली कर दी उसने ताकि जो भी स्मोक के अंदर है वो ही मर जाए. क्या बात है क्या बात है. अच्छा इसकी स्मोक और मॉली मिक्स हो जाती है सीएस में तो बुझ जाता है ना. ना इसमें नहीं होता. हाँ हाँ आपको पता मुरु भाई ये पबजी के अंदर गाड़ी में भी मॉली कर सकते हैं. गाड़ी वालों को आग लग जाती है. ओह क्रेजी. गाड़ियां एक्चुअली जब करीब खड़ी हुई और पूरी टीम हो तो एक गाड़ी फट भी सकती है. हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. ये चक्कर ये चक्कर ये चक्कर. ओए होए स्मोक के अंदर से किल लेने की कोशिश लेकिन आई थिंक थोड़ा सा नाकाम हो गए. कोशिश बड़ी अच्छी एस्टिमेट. मुझे तो बंदा नजर ही नहीं आया इसको पता नहीं किस तरह नजर आया. मेरे ख्याल से ब्लाइंड है. ब्लाइंड उन्होंने किया है लेकिन इनके ऊपर हाँ सर्कल का मसला है. सर्कल का मसला हो गया. सर्कल का मसला हो गया यहाँ पे. ओह हो क्या बात है. अल्फा रहमान ने एक मरते हुए आदमी को कतल कर दिया और उसके बाद ये अब ये वाली ओ गया, ओ, 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 गया। ओ, 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 ओ। तो हमारे पास इस वक्त बेस्ट प्लेयर जो मौजूद हैं वो स्पॉनेज हैं और स्पॉनेज के चैनल को आप सब्सक्राइब करके CS:GO की टिप्स भी देख सकते हैं. वहां पे उसने काफी अच्छी टिप्स दी हुई. गेमर है भी लड़का. गेमर है लड़का. गेमर है. और अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको पता है फिर अलीजर का सेकंड चैनल भी है. वो तो फिर आपको पता है अलीजर रीमिक्स. अलीजर रीमिक्स. ऑलराइट देयर वी गो. सो वी गॉट एनवी NES, PES, R3D, all sitting in across. Smoko smoke हुआ है. Four different noise. Smoko smoke हुआ है. चार क्राउड मौजूद हैं. ओह हो. Wow. चार. What the hell is चार क्लैन बैठे हैं. Smoko smoke वाकई हुआ है. सर्कल छोटा हो रहा है. हर बंदे को वेरा उसे निकलना पड़ेगा. मुझे लगता है कि गेम थोड़ी रशिंग की तरफ जा रही है और ये एक लोगों का आमने सामना हो गया आपस में. चारों स्क्वाड आपस में सामने आएंगे. स्पॉनेज क्या ख्याल है जब ऐसी सिचुएशन है तो क्या करना चाहिए? ओए होए होए. अल्फा रहमान ने पहले घर के दूसरी खिड़की से स्मोक किया फिर एक और खिड़की से स्मोक किया फिर स्मोक के बीच में आकर टीम को रिवाइवल दे रहे हैं. क्या बात है. रिवाइवल दे रहा है यार ये बंदा. कैरियर है. कैरियर तो है. कैरियर बनने का गेम से मजा. ही स्मोक फ्रॉम वन एंगल देन पीक फ्रॉम अनदर एंगल. थैंक यू स्पॉनेज फॉर स्टेटिंग द ऑब्वियस. ओह ये चेक करो. ये गेम चेक करें. ये इसने सही. ये देखते कितनी हेल्थ लेता है. ही माइट गेट टू देयर. ही माइट गेट टू फ्रैग्स देयर. ओह ही डिडंट इवन शो अस. डिड ही गेट एनी फ्रैग्स? ये क्या हो गया. ये फटा बम. ओह ही गॉट टू पीपल. थ्री ऑन द BTX साइड. टू ऑन द पोर्टल ईस्पोर्ट्स साइड. एंड GH का एक बंदा रह गया और वो पॉल कोने पे चिलिंग कर रहा है. और इसके पास कवर भी कोई नहीं है. जो एक ही बंदा है जिसने ग्रेनेड किया उसके पास बंदा उसके पास वो कोई नहीं है. कवर कोई नहीं है तो अगर उसको फायर पड़ा तो वो फौरन फौत हो जाएगा. ये देखे ना ये. हाँ इट्स ऑल अबाउट प्लेइंग इन अ कवर. सर्कल छोटा सा है. कवर की जगह नहीं है. एक पत्थर है उसके पीछे ऑलरेडी एक बंदा है. स्मोक को स्मोक हो रहा है. Khan saab is moving forward. Pais Khan ja raha hai. Everybody else seems to be chilling. Pais Khan, I think Pais Khan ja raha hai. Oh, everybody is moving in. Haan. Pais Khan ja raha hai. Look at the smokes right here in this cycle. Pais Khan ja raha hai aur Alpha Rehman, mujhe lagta hai Alpha Rehman usko cover fire dene wala hai. Wo gaadi gaadi ke niche dega. Isko ye gaadi ke niche dega. Exactly. Oye, Alpha ne usko bahar nikalwaya aur fir uda diya. That was a nice bait by Khan. I believe Ellie jo hai na unka Ellie wo bait kar raha hai like he's just trying to flank the guy. He's just trying to flank the Khan and Ellie is like oh he got a few hits on him. Wow yaar BTX ka bada future nazar aa raha hai. Dekh inka jo AL Ellie jo hai Ali ki 5 kills hai. Portal is supposed to be the best team and BTX just beat the Portal right. No. Portal is not supposed to be the best team in PUBG Mobile. Portal is supposed to be definitely best team in CS:GO scene. But here are like definitely some great competitors that are trying. Achha, like achha. We have seen like H2E playing, AO4 taking fights, BTX winning the match. So that's good. Just pone ye jo teams hain qualifier mein kya scene hai inka. Inme se kisi team ko dekha hai koi Pakistan ki koi mashhoor team ho ya kisi ke against khele ho kya scene hai? हाँ अगर हम क्वालिफाइज 2 की टीम तो देखें तो मैंने टफ ईस्पोर्ट्स को देखा है. दे आर डिसेंट प्लेयर्स. गेमिंग हब जो कराची का गेमिंग जोन है लाइक बिगेस्ट गेमिंग जोन ऑफ कराची लाइक द वेल डिसेंट वन उसका क्लैन है. सो दैट्स गुड. आई हैव प्लेड देयर फॉर अ व्हाइल. टीम एनालिटर्स के खिलाफ मैंने CS:GO में काफी खेला है. दे आर गुड प्लेयर्स. सो या दीस आर द टीम्स आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड. आखिरी सर्कल आ गया. यहाँ पे कोई कवर नहीं है और यहाँ पे स्नेकी चल रही है. ये स्मोक पे स्नेकी कर रहा है एक और बंदा. ये जो स्मोक की गेम है ना ये मैंने सीखी. और ये देख कितना करीब है ये इसके. और ये आखिरी वाला जो होता है ये
दो बंदों ले गया भाई, दो बंदे ले गया, क्या बात है। यहाँ पे दोबारा से सर्कल क्लोज होता जा रहा है, दो लोग स्नेक बने हुए हैं, एक बंदे ने भी अभी अपने को रिवाइव किया है, आप देख रहे हैं इसको पानी पड़े, फायर पड़ रहे हैं और नॉक और नॉक, क्या बात है भाई, क्या बात है, बिल्कुल एजो तो सर्कल खेल रहे हैं नॉक। इतना छोटा सर्कल मैंने जिंदगी में मैंने देखा है एक दफा, मैं जीता हूं जब आप किसी को रिवाइव करने के उसमें जाएंगे जहाँ पे जैसे जो व्हाइट सर्कल होता है जो ब्लू सर्कल होता है उसका जो एज होता है ना, जो सर्कल सबसे स्लो मूव होगा ना वो वहां से मूव होगा जहाँ पे व्हाइट सर्कल और ब्लू सर्कल का गैप सबसे कम होगा। आई डोंट गेट इट, क्या व्हाइट और उसके गैप में जो जगह होती है उसका क्या सीन है? तो ये बंदे के पास जिसके पास गाड़ी है उसने अपने आप को बचाने में वो कामयाब हो गया, बाकी लोग मुझे लगता है मर जाएंगे। नाउ ही इज गॉट हिमसेल्फ, ही गॉट हिमसेल्फ विदाउट अ कवर और यहाँ पे जस्ट अबैंडन द कार इन मिड एयर। यहाँ पे स्पॉनेज ऐसे पॉइंट पे स्मार्ट प्ले काम आता है कि स्क्वाड प्ले काम आता है? यहाँ पे अगर लाइक इफ यू आर प्लेइंग सोलो, लाइक अगर अगर आप अकेले लास्ट मैन स्टैंडिंग हो अपने स्क्वाड के लिए तो यू हैव टू प्ले डिफेंसिव, यू हैव टू प्ले स्मार्ट, अटैक नहीं कर सकते क्योंकि आपको बचाने वाला कोई नहीं है, फायर पड़ रहे हैं घास के अंदर। ओ गया भाई, ओए क्या बात है, फोर एचएल ने स्नेक बने हुए आदमी को उड़ा के रख दिया, क्या बात, मैप अवेयरनेस है यार, द गाय न्यू दिस गाय हियर, ही कुड हैव पॉसिबली गॉन देयर, ही एस्टिमेटेड एंड ही शॉट, ये तो ही वाज राइट। The position, every single player is just checking the other corner, like literally other corner. One player is checking the west side, other player is checking the east side. Aha. That's a good map awareness. Elevation के कितने फायदे? Oh, ये बाहर जा रहे हैं। देखो कितना risky आदमी है। Oh, इसने check कर, इसने क्या किया? Oh, kill लेने के लिए। Oh, क्या बात है? ज़्यादी आदमी। ज़्यादी आदमी था यार। Kill लेने के लिए उसने। See, Team Analytics is like currently leading the place points here. I told you there was a good team, even in the CS:GO, and they are showing up in PUBG Mobile as well. Nice. 20 place points for them. Nice. Total kills 13. तो 23rd में को फाइनल मैच हो रहा है, ड्यू गेमर्स अरीना की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं या उनके सोशल मीडिया पे भी जाके देख सकते हैं। मैं तो देख रहा हूँ, उम्मीद है आपको वहाँ पे मिलते हैं। मुरू आउट।